बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से ठीक ठाक और खुश होंगे, और अल्लाह पाक का शुक्र है कि हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और मेरी अल्लाह पाक से यही दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको हर किस्म की तकलीफ, बीमारी, परेशानी से बचा के हमेशा अपनी हिफाजत में रखे। आमीन सुम आमीन। तो आज का व्लॉग जो है वो भी मैं सुबह से ही स्टार्ट कर रही हूँ कि बच्चे चले गए हुए हैं स्कूल, और ये मैं नाश्ता बना रही हूँ अवैस के लिए और अपने लिए। अवैस को मैंने बना दिया है पराठा, और उसके साथ उसको मैं बना के दूँगी अंडा, क्योंकि उसको अंडा बहुत पसंद है। और अपने लिए भी मैं अंडा ही बना लूँगी, और साथ में ब्रेड ले लूँगी, क्योंकि 2-3 दिन से मेरे दांत में इतनी ज़्यादा शदीद वाली दर्द है ना कि मुझसे कुछ भी खाया नहीं जा रहा। और अगर अभी तक किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक भी लाजमी किया करें। और नाश्ता करने के बाद मैं फिर थोड़ी देर के लिए सो गई थी, और अभी दोपहर में उठी हूँ और मैं बना रही हूँ मटर वाला पुलाव। ये मैं वाइट पुलाव बनाती हूँ, और जो है ना साथ में मैं आलू गोभी का सालन बनाऊँगी, क्योंकि हमारे घर में ना किसी ने आना है, मेरी फ्रेंड है तो उन्होंने आना, उन्होंने मुझे स्पेशल बोला था कि मटर वाले चावल बनाना और साथ में आलू गोभी का सालन बनाना, तो वो मैं फिर उसी के कहने पर ये बना रही हूँ। तो ये मैंने ना प्याज ब्राउन नहीं किया, मैंने सब कुछ प्याज टमाटर हरी मिर्चें और मटर ऐसे ही डाल दिए हैं, और अब इसमें सिर्फ मैं नमक, कुटी हुई लाल मिर्च, सूखा धनिया और चिकन पाउडर डाल रही हूँ, और थोड़ा सा गरम मसाला भी मैंने डाल दिया। तो ये जो मटर वाला वाइट पुलाव है ना, ये ऐसे बनता है, इसमें प्याज ब्राउन करके नहीं डालते हैं। और इधर आलू गोभी बना रही हूँ, आलू गोभी का तड़का मैंने भून लिया है, इसमें मैं आलू गोभी डाल लूँगी और इसको ना मैं वेट लगवा लूँगी फुल फ्लेम करके ना, तो मैं 5 मिनट का वेट लगवाती हूँ, तो इससे ये होता है इसका पानी भी ड्राई हो जाता है और ये भुन भी जाती है, बाद में थोड़ा सा इसको मैं भून लेती हूँ। और प्रेशर में इसी तरह बड़ी इजीली जो है ना बनती है सब्ज़ी वगैरह, मैं जो भी सब्ज़ी बनानी हो ना मैं इसी में बनाती हूँ, सवाए भिंडी और करेले के, सारी सब्ज़ियाँ मैं प्रेशर कुकर में बनाती हूँ, चिकन मटन सब्ज़ी जो भी हो इसी में बनाती हूँ मैं। और ये भी भुन गया है मटर वाला मसाला, और इसमें मैं पानी डाल लूँगी, और जो है ना जब उबाल आएगा तो इसमें मैं चावल डाल लूँगी। ज़ाहिर है हर कोई इसी तरीके से बनाता है, बहुत ही इजी तरीका है, मटर पुलाव मेरे ख्याल से सबसे इजी बनता है, और ये मटर पुलाव भी बन गया मेरा और साथ में आलू गोभी का सालन भी बन गया। कुछ लोगों की अपनी अपनी चॉइस होती है, वैसे मैं आलू गोभी का सालन वाइट चावलों के साथ ही बनाती हूँ, और ये साथ में मैंने बना लिया था रायता, ये क्यूब्स मैंने निकाले हैं, इसमें मैं दही डाल के रायता बना लूँगी। और जब मेरी फ्रेंड आई थी ना तो मैंने कोई क्लिप वगैरह नहीं बनाई थी, क्योंकि ज़ाहिर हर किसी की अपनी अपनी प्राइवेसी होती है। तो ये वो लेके आई हुई थी कप केक्स, ये 2 न्यूटेला वाले हैं, वो डेरी मिल्क वाला है, और एक है मेरे हाथ से स्निकर वाला है, फ्लेवर्ड कप केक थे ये, और साथ में बच्चों के लिए वो चॉको न्यूटेला जो होता है वो था, उन्हें बताया कि बच्चों को ये बड़े पसंद है तो इसलिए फिर वो यही लेके आई थी। तो अभी मैं टेस्ट कर रही थी ये वाला, क्योंकि पता है आपको कभी कभी होती है स्वीटनिंग कुछ इस तरह का खाने की, तो मुझे ये अच्छा लग रहा था तो मैंने कहा इसको मैं टेस्ट करके देखती हूँ। तो फुल तो मुझसे खाया भी नहीं जाना था, क्योंकि इतना ज़्यादा हैवी स्वीट नहीं खाया जाता, तो बाकी जो है ना वो मैं फ्रिज में रख दूँगी, बच्चे आएंगे स्कूल से तो वो फिर खा लेंगे।
और इस वाले कपकेक का जो टेस्ट है ना, वो बिल्कुल सेम ऐसे लग रहा था जो मैंने एक दो दिन पहले बनाया था ना केक, बटर चॉकलेट वाला, क्योंकि इसके ऊपर जो फ्रोस्टिंग लगी हुई थी वो बटर चॉकलेट में ही थी। और ये मैं आपको दिखाने वाली हूँ, ये दोनों जार्स वो जो मेरे लिए लेके आई थी, तो मैंने इनको साफ़ करके तो मैंने इधर रखा है। और ये जो खजूरें हैं ना, इनको बहुत ज़्यादा कीड़ियाँ आ जाती थी इन पे, तो इसलिए ये एयर टाइट हैं, तो इसलिए मैंने खजूरें फिर इन दोनों में डाल दी हैं। उनके जाने के बाद मैंने बस बर्तन वगैरह काफ़ी ज़्यादा थे वो धोए, और दोबारा से क्लीनिंग करने वाली हो गई थी वो फिर मैंने की। और इन जार का मुझे इतना ज़्यादा फ़ायदा हो गया ना कि मुझे ये देखने में भी इतने अच्छे लग रहे थे, और कीड़ियों से भी जो है ना खजूरों का जो है बचाव हो गया। नहीं तो रोज़ मुझे जो है ना कि जहाँ भी मैं खजूरें रखती थी वहीं पे कीड़ियाँ आ जाती थी। और ये जो डाइनिंग टेबल पे टोकरी पड़ी होती है ना, वो कैचअप वाली टोकरी आपको नज़र आ रही है, वो मैंने इधर से उठा के, तो इधर पड़ी होती थी वो, इधर से उठा के तो वो मैंने अब उधर रख दी हुई है। मैंने कहा थोड़ा सा डाइनिंग टेबल का भी जो है ना वो लुक चेंज करूँ। मेरी फ्रेंड्स को पता है कि मुझे इस तरह की चीज़ें बड़ी अच्छी लगती हैं। और ये जो आपको स्पून रैक नज़र आ रही है ना, ये भी वही लेके आई है। इसे मेरी किसी भी फ्रेंड ने मुझे कोई गिफ्ट वगैरह करना हो ना, तो वो इसी तरह का करती हैं, कोई बर्तनों में या वैसे कोई डेकोरेशन पीस में। और अभी जो है ना मैं इसमें इन रैक्स में जो है ना, ये मैं सीधे करके सारे स्पून्स वगैरह रख रही थी। और एक और बड़ी प्यारी बड़ी क्यूट सी चीज़ है जो वो मेरे लिए लेके आई थी, वो कह रही थी कि तुम्हारी जो किचन टॉप है ना वो बड़ी सोनी सोनी सी लग रही है, तो ये मैं तुम्हारे लिए लेके आई हूँ कि इससे थोड़ा डेकोरेट हो जाएगी वो। और वो क्यूट सी चीज़ वो है, वो जो सामने आपको कैंडल नज़र आ रही है ना, वो बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि जैसे वो जो रियल वैक्स वाली कैंडल होती है ना वो है, लेकिन ये नहीं है, ये सेल वाली कैंडल है। और ये बिल्कुल इसी तरह से थोड़ी सी वो हिल भी रही है, जिस तरह वो रियल वाली कैंडल में परवाना हिल नहीं रहा होता इस तरह से, कि कभी डिम हो रही है कभी तेज़ हो रही है, कि जैसे हवा चल रही हो, और इस तरह वो शम्मा में परवाना हिल रहा होता है। तो अभी ये डिब्बों में नमक मिर्च हल्दी वगैरह मुझे लग रहा था कि ख़त्म होने वाली है, बस एक एक दो दो दिन का रह गया था, तो मैंने कहा मैं इनको फिल कर लेती हूँ। और ये डिब्बे वगैरह भी साफ़ थे, अदरवाइज़ अगर मुझे रिफ़िल करने होते हैं ना तो मैं फिर इनको धो के रिफ़िल करती हूँ। ये हल्दी वाला थोड़ा सा था ऐसा, क्योंकि हल्दी का आपको पता है कि जिस भी बर्तन में आप रखें उसमें कलर उसका आ ही जाता है, तो ये बाहर से बिल्कुल नीट एंड क्लीन था और अंदर से हल्दी बस इस तरह लगी हुई थी, तो मैंने कहा ये भी साफ़ ही है, अगर मुझे धोने होंगे ना तो मैं इनको प्लेट में डाल के तो फिर दोबारा से धो लूँगी, लेकिन अभी ये धोने वाले नहीं थे, अदरवाइज इनको 1 महीने के बाद जो है ना मैं धो ही लेती हूँ। इनको पता है मैंने यूज़ करना होता है, तो मैंने कौन सा इनको गंदे हाथ लगाने होते हैं, अगर बच्चों के हाथ में हो कोई चीज़ तो ज़ाहिर वो तो फिर गंदी कर ही देते हैं, तो इनके साथ बच्चों का क्या काम। तो वही ना कहते हैं कि एक हाथ में चीज़ हो तो वो कभी ख़राब नहीं होती है, तो ये डिब्बे ना ये मेरे एक हाथ में रहते हैं ना, तो मुझे एक एक 1.5 महीने इनको धोने की नौबत नहीं आती है। और ये बर्तन वगैरह सारे जो दोपहर के थे, ये प्रेशर कुकर और ये पतीला ये और दूसरे सारे ये वाले बर्तन, ये मैंने सारे धो के रख दिए हैं, और अभी ना ये सारे धोने वाले फिर से तैयार हो गए मेरे लिए। तो अभी मैं इनको अभी नहीं धोऊंगी अभी मैं, क्योंकि अभी शाम हो गया और मुझे नमाज़ भी पढ़नी है, और इनको मैं अभी सुबह धोऊंगी। और सालन भी ख़त्म हो गया था, ज़ाहिर है फिर गेस्ट आए हों तो हो ही जाता है, और चावल भी ख़त्म हो गए थे। और रात को फिर मुझे था कि मैं क्या बनाऊँ, तो ये टॉर्टिलास पड़े हुए थे, तो मैंने कहा मैं चिकन भी है तो इनको टॉर्टिला रैप बना देती हूँ। और जब से मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो ये कुत्ता जो है ना ये मतवातर भौंकी जा रहा है भौंकी जा रहा है, चले इग्नोर करिएगा इसको। Thank you.
सब अपना हिस्सा डालने आ गया। वो कह रहा था कि मैंने अपने रैप पे ना हुडी मैंने मेयो वगैरह सब कुछ लगानी है, आप कम लगाती हैं, तो ये भी अपना हिस्सा डाल रहा है वो। और ये मेयो से निकल नहीं रही थी, मेरे हाथ से बॉटल में कम रह गए, तो इसलिए बड़ी मुश्किल से निकल रही है। फिर वो दूसरी वाला लेके आया और फिर उसने ना लेकिन ढेर सारी मेयो डाल दी है। बच्चों की ना अपनी अपनी बस चॉइस होती है। और अब कह रहा था मुझसे रैप नहीं किया जा रहा, वो कर दे। और ये लास्ट वाला उसका का भी मैंने बना दिया है। और ब्लूपर ये होगा जब इस पे मैं ग्रीन चटनी डाल रही थी ना, तो वो मुझसे ज्यादा गिर गई है। और जो है ना उस वक्त ज़रा होते हैं नखरे खाने में, बाकी दुल्ला तो बिल्कुल भी नहीं नखरे करता है। और वैसे भी पहले थोड़ी बहुत करता था, तो हॉस्टल जाने के बाद उसके नखरे जो है ना बिल्कुल ख़त्म हो गए। वो अब वो इतने नखरे नहीं करता, जो कुछ बना हो पका हो वो खा लेता है। तो ये उस वक्त रैप भी बन गया है। तो इधर मैं बैठी हुई ना, मुझे फिर वो जो सीट्स के नीचे शॉपर लगे हुए ना, मुझे वो नज़र आ रहे थे। मैं मतलब जब भी देखती हूँ ना, बैठती हूँ तो मुझे नज़र आते हैं, तो मैं कहती हूँ आज मैं ज़रूर इनको उतारूंगी, लेकिन फिर मुझे भूल जाते हैं। तो आज फिर मुझे ये नज़र आ रहे हैं, ये देखे नीचे लटक रहे हैं। ऊपर से मैंने सारे उतार दिए हुए हैं, लेकिन नीचे से थोड़े थोड़े से जो है ना वो रह गए हुए हैं। तो अभी मुझे बच्चों को करवानी है स्टडीज़। तो आज का व्लॉग जो है ना मैं इधर ही एंड करूँगी। तो उम्मीद है कि आपको आज का व्लॉग अच्छा लगेगा। अगर आपको मेरे व्लॉग्स अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक भी लाजमी किया करें। और जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें और दूसरों में खुशियाँ बांटें। और मुझे नहीं इजाज़त, मैं मिलूंगी अब इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।